अंतर्राज्यीय स्तर के ईमेल आईडी हैक कर विभिन्न खातों से पैसा मंगाकर ठगी करने वाले गिरोह की एक महिला सहित चार अभियुक्तों को एसटीएफ उत्तर प्रदेश एवं स्टेट साइबर सेल इंदौर मध्य प्रदेश किया गिरफ्तार। आरोपितों के ट्रांजिट रिमांड एवं अग्रेतर कार्रवाई में जुटी इंदौर मध्य प्रदेश की पुलिस। नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है, मैं पूजा वर्मा। एसटीएफ उत्तर प्रदेश एवं स्टेट साइबर सेल इंदौर मध्य प्रदेश को जनपद गोरखपुर के विभिन्न थाना क्षेत्रों से अंतर्राज्यीय स्तर के ईमेल आईडी हैक कर विभिन्न खातों में पैसा मंगाकर ठगी करने वाले गिरोह के चार अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई। गिरफ्तार अभियुक्तों में सैयदा बेगम, पत्नी अब्दुल सत्तार, निवासी 21 का कल्याणपुर काली के पास थाना तिवारीपुर गोरखपुर को स्टेट बैंक के सामने अमरूद मंडी चौराहा थाना राजघाट से, परवेज अहमद पुत्र हसन अहमद निवासी मकान नंबर 134 मोहल्ला निज़ामपुर थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर को रुस्तमपुर ढाला थाना रामगढ़ताल से, गैसुद्दीन खान उर्फ शानू पुत्र कमलुद्दीन खान निवासी 78 बी गोसीपुरा प्राइमरी स्कूल के पास थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर को, घोसीपुर प्राइमरी स्कूल के पास थाना राजघाट से, आशीष जायसवाल पुत्र राधेश्याम जायसवाल निवासी ग्राम व थाना बासगांव जनपद गोरखपुर वर्तमान पता मकान नंबर 350 सी राप्ती नगर थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर को घोसीपुर प्राइमरी स्कूल के पास थाना राजघाट से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपितों के पास से 5 आधार कार्ड जिसमें सैयदा बेगम के 2 आधार कार्ड अलग अलग पते से हैं, एक पैन कार्ड, एक एटीएम, 6 मोबाइल, 7,000 रुपये नगद बरामद किया है। 11 अगस्त को थाना साइबर और हाईटेक अपराध साइबर सेल मध्य प्रदेश मुकदमा अपराध संख्या 145/2020 धारा 66C 66D आईटी संशोधन एक्ट 2008 व 419/420 भारतीय दंड विधान पंजीकृत हुआ था। विवेचना के उपरांत उपरोक्त अभियुक्तगणों के नाम प्रकाश में आए थे, जिनकी गिरफ्तारी के संबंध में एसटीएफ फील्ड इकाई गोरखपुर को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन में पुलिस उपाधीक्षक धर्मेंद्र कुमार शाही के पर्यवेक्षण में सत्यप्रकाश सिंह, निरीक्षक उपक्षक आलोक कुमार राय, एसटीएफ फील्ड इकाई गोरखपुर द्वारा कार्यवाही प्रारंभ की गई तथा अभिसूचना तंत्र को सक्रिय किया गया। 16 अक्टूबर को निरीक्षक साइबर सेल इंदौर मध्य प्रदेश अमरीश मिश्रा के नेतृत्व में एक टीम ने एसटीएफ फील्ड इकाई गोरखपुर से विकसित सूचनाओं का आदान प्रदान किया गया। पूर्व में मुखबिर ने बताया कि सैयदा बेगम, जिसका नाम का खाता है, जो स्टेट बैंक के सामने अमरूद मंडी चौराहा थाना राजघाट जनपद गोरखपुर के पास खड़ी है। महिला थाना जनपद गोरखपुर से महिला पुलिस बल एवं मुखबिर को साथ लेकर अमरूद मंडी स्थित SBI बैंक के पास पहुंचे। स्टेट बैंक के बाहर खड़ी महिला को देखकर मुखबिर ने बताया कि यही सैयदा बेगम है और मुखबिर चला गया। महिला पुलिस बल द्वारा सैयदा बेगम की गिरफ्तारी की गई। पूछताछ में सैयदा बेगम ने बताया कि उसके साथ ही परवेज अहमद, गैसुद्दीन खान उर्फ शानू, आशीष जायसवाल के गिरोह के सदस्य हैं तथा इन लोगों का मुखिया गैसुद्दीन खान उर्फ शानू एवं आशीष जायसवाल हैं। तत्पश्चात सैयदा बेगम की निशानदेही पर परवेज अहमद को रुस्तमपुर ढाले के पास से की गिरफ्तारी की गई एवं परवेज अहमद की निशानदेही पर गैसुद्दीन खान उर्फ शानू व आशीष जायसवाल को घोसीपुर प्राइमरी स्कूल के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों ने पूछताछ में बताया कि इन लोगों का एक गिरोह है। गिरोह के सदस्य सैयदा बेगम के आधार कार्ड में बार बार पता बदलकर विभिन्न बैंकों में खाता खुलवाते हैं तथा खाता खुलवाने के बाद खाते का ATM पासबुक चेकबुक परवेज अहमद, गैसुद्दीन खान उर्फ शानू, आशीष जायसवाल अपने पास रख लेते हैं। जब खाते में फ्रॉड का पैसा आता है तो गैसुद्दीन द्वारा ATM से पैसा निकाला जाता है तथा आशीष द्वारा अलग अलग खातों में ऑनलाइन पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है। अगर किसी बैंक खाते में पैसे के ट्रांजेक्शन करने में कोई समस्या आती है तो सैयदा बेगम व परवेज पति पत्नी बनकर बैंक में जाकर पता करते हैं कि चेकबुक या पासबुक से पैसा निकाल लेते हैं। निकाले गए पैसों का पहले से तय प्रतिशत के हिसाब से बंटवारा कर लेते हैं। थाना साइबर और हाईटेक अपराध साइबर सेल मध्य प्रदेश में मुकदमा अपराध संख्या 145/2020 धारा 66C 66D आईटी संशोधन एक्ट 2008 व 419/420 भारतीय दंड विधान पंजीकृत के संबंध में पूछने पर बताया कि आशीष के साथी अकरम और प्रतीक, जो दिल्ली में रहते हैं और इंदौर आते जाते हैं, इन्हीं लोगों ने ईमेल आईडी की फिशिंग करके फर्जी मेल कर पैसा मंगवाया गया था। अकरम के बताने पर कि पैसा आ गया है, निकाल लो, इस पर गैसुद्दीन द्वारा 2 बार ATM से 80,000 रुपये व आशीष द्वारा 2 लाख रुपये का IPFMS मनोज नाम
के एक व्यक्ति के खाते में किया गया। अभियुक्त सैयदा बेगम को महिला थाना जनपद गोरखपुर एवं शेष तीनों अभियुक्तगढ़ को थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर में दाखिल कर प्राजन रिमांड एवं अग्रेतर कार्रवाई निरीक्षक साइबर सेल इंदौर मध्य प्रदेश द्वारा की जा रही है। Thank you.